खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। जल्दी पढ़ने में एक चैलेंज है। आप एक तरफ स्पीड बढ़ाते हो तो दूसरी तरफ समझ आना कम हो जाता है, यानी कॉम्प्रिहेंशन गिर जाता है। ये फास्ट रीडिंग पर नो नॉनसेंस वीडियो है। हम उन टेक्निक्स पर चर्चा करेंगे जो आप सच में हर दिन प्रयोग कर सकें और जिनसे समझ में आना कम ना हो, यानी इन टेक्निक से आपको सच वाली रीडिंग यानी पढ़ाई में भी बराबर मदद मिलेगी। समझ में भी आए और स्पीड भी बढ़े, ये कैसे संभव है? पहले इस कंसेप्ट को समझ लो। जैसे तेज साइकिल चलाने के लिए और करतब दिखाने के लिए आपको सबसे पहले बैलेंस पर महारत हासिल होना चाहिए, वैसे ही तेजी से और अच्छे से पढ़ने के लिए आई मूवमेंट्स पर महारत हासिल होनी चाहिए। हमारे आई मूवमेंट्स में क्या कमी है जो हमें महारत हासिल करनी पड़े? जब हम एक लाइन पढ़ने के लिए बाएं से दाएं आंखें घुमाते हैं तो एक लय में चलने की बजाय हमारी आंखें उचक उचक कर चलती हैं। इन्हें सेगेट्स कहते हैं। जैसे आप एनिमेशन में हाइलाइटेड शब्द देख सकते हो, जब हम पढ़ते हैं तो हमारी आंखें उचक कर इन शब्दों पर रुकती हैं। इन शब्दों का टेम्परेरी पिक्चर खींचती हैं। ये पिक्चर खींचने में एक चौथाई से आधा सेकंड तक लगता है। इन सेकंड मूवमेंट्स के चलते तेजी से पढ़ते समय कुछ शब्द छूट जाते हैं तो हम पीछे आकर दोबारा पढ़ते हैं, जिसे बैक स्किपिंग कहते हैं। इस बैक स्किपिंग से 30% स्पीड गिर जाती है। उपाय क्या है? यूज पॉइंटर्स। जब आंखें किसी चीज का पीछा कर रही हों, जैसे पेन या उंगली, तो आंखों का मूवमेंट बिल्कुल स्मूथ होता है, बैक स्किपिंग खत्म हो जाती है और स्पीड भी बढ़ती है। स्पीड रीडिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हार्वर्ड बर्ग कहते हैं कि सिर्फ पॉइंटर का उपयोग करने से हम पढ़ने की स्पीड 10-20% तक बढ़ा सकते हैं। उंगली से पेन बेहतर होता है क्योंकि वो तेज चलता है और मूवमेंट ज्यादा एक्यूरेट होता है। आई मूवमेंट्स बेहतर करने के लिए दूसरी चीज जो हमको समझना चाहिए वो है पेरिफेरल विजन। इस फोटो में आंखों को गौर से देखिए। आप आंखों को देख रहे हैं लेकिन फिर भी आपको कान हिलते हुए दिख रहे हैं। आंखें हुई प्राइमरी फोकल पॉइंट और कान हुए पेरिफेरल विजन। पेरिफेरल विजन के कारण जब हम किसी शब्द पर फोकस करते हैं तो अपने आप हमें उसके आगे और पीछे 2-3 शब्द भी दिखते हैं, लेकिन पढ़ते समय हम पेरिफेरल विजन का ठीक से उपयोग नहीं करते। ऐसा क्यों? जब हम लाइन की शुरुआत में सबसे पहले शब्द पर फोकस करते हैं तो हम पहले के 2 शब्दों का नुकसान कर रहे हैं। ऐसे ही जब हम लाइन के आखिरी शब्द तक फोकस करते हैं तो हम आखिरी 2 शब्दों का नुकसान कर रहे हैं। यानी हर लाइन में औसतन 10 शब्द होते हैं तो हम 4 शब्द धीमे पढ़ रहे हैं। अब आपको क्या करना चाहिए? ड्रॉ मार्जिन ऑन द फर्स्ट एंड द लास्ट वर्ड। किताब लीजिए और पेज के दोनों ओर एक एक शब्द छोड़कर पेंसिल से एक लाइन खींच लीजिए। आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको इस पॉइंट को देखना है, यानी आपको दूसरे शब्द के बीच से पढ़ना शुरू करना है और एक शब्द पहले यानी इस लाइन पर रुक जाना है। टिम फेरिस कहते हैं कि 5-10 पेज पर लाइन खींच लीजिए। इतना अभ्यास करने से आंखों को आदत पड़ जाती है। केवल इतना अभ्यास करने से, टिम फेरिस कहते हैं कि आपकी पढ़ने की स्पीड में 40% तक का इजाफा होता है और समझने की क्वालिटी कम नहीं होती। जब आदत हो जाए तो एक एक शब्द और आगे बढ़ाकर लाइन खींच लीजिए। इससे आप पेरिफेरल विजन का बेहतर उपयोग करने लगते हो। अभ्यास के साथ आप ऐसे लेवल पर आ सकते हैं कि आपको केवल लाइन के 30% हिस्से पर ही आंखें फिराने की जरूरत पड़ेगी। इनका अभ्यास कैसे करना है? एक्सरसाइज फॉर आई मूवमेंट। दोस्तों, टिम फेरिस कहते हैं कि इन एक्सरसाइज का अच्छे से अभ्यास करने के लिए पेन, टाइमर और करीबन 200 पेज की किताब लीजिए। 200 पेज से मतलब ये है कि ऐसी किताब लीजिए जो टेबल पर फ्लैट खोलकर रखी जा सके। ये डिटेल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उंगली या पेन का इस्तेमाल करने के लिए आपका एक हाथ फ्री होना चाहिए और प्रैक्टिस के बीच में किताब बीच बीच में बंद नहीं होनी चाहिए। अब 20 मिनट का टाइमर लगाइए और आई मूवमेंट का अभ्यास कीजिए। अभ्यास कैसे करेंगे? आई मूवमेंट बढ़ाने के लिए हमको 3 गुनी स्पीड का अभ्यास करना है। मतलब अगर आप 400 वर्ड पर मिनट की स्पीड से पढ़ना चाहते हैं तो आप 1200 वर्ड पर मिनट का अभ्यास करें। इस अभ्यास में आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे, केवल तेज स्पीड से आंखें फिराना सीख रहे हो। बस इतना ध्यान करें कि कोई शब्द दिखना ना छूटे। टिम फेरिस कहते हैं कि पहले आपको टेक्निक सीखना है जो आपने वीडियो के साथ सीख ली। टाइमर लगाकर अभ्यास करना है जो अभी आपने देख लिया। और तीसरा, अब आपको टाइमर लगाकर स्पीड और कॉम्प्रिहेंशन को चेक करते रहना है। ऐसा करने के लिए 5-6 सेशन में आपकी 50% स्पीड बढ़ जाएगी।
इसके साथ ध्यान रखिए इंटरेस्टिंग बुक, पढ़ते समय नींद भी आ सकती है और बोरियत भी हो सकती है, इसलिए अभ्यास करने के लिए इंटरेस्टिंग बुक पर ही अभ्यास करें। जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए तो कोर्स की किताब का भी प्रयोग कर सकते हैं। आंखों का अभ्यास करने के बाद कंफर्ट जोन तोड़ने के लिए एक और ट्रिक है, 90% रूल। जब आप कॉम्प्रिहेंशन के साथ पढ़ने का अभ्यास करें तो 20 मिनट का टाइमर सेट करें और सबसे पहले 5 मिनट के लिए अपनी नॉर्मल स्पीड से तेज पढ़ें। इतना तेज पढ़ें कि 10% कॉम्प्रिहेंशन कम हो जाए, यानी इतना तेज पढ़ना है कि 90% ही आपको समझ में आए। इसके बाद अगले 15 मिनट पढ़ने और समझने पर बराबर जोर दीजिए। धीमे पढ़ने की कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में आसानी होगी और आप तेज पढ़ने लगेंगे। लेकिन ये काम क्यों करता है? मान लीजिए आपको आदत है शहर में 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गाड़ी चलाने की, लेकिन जब आप हाईवे पर गए तो स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर पर आवर की थी। आपने कहा चलो तेज चलते हैं, आपने 90 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार बढ़ाई तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में आपको थोड़ा डर लगा, फिर आपने स्पीड कम कर ली। लेकिन अब आप 50 की जगह 75 पर गाड़ी चला रहे हैं क्योंकि आपको 75 भी 50 जैसी ही कंफर्टेबल लग रही है। इसी तरह से हम अभ्यास के पहले 5 मिनट खुद को थोड़ा सा पुश करते हैं और बाकी 15 मिनट हम अपने आप थोड़ी तेज स्पीड में पढ़ते हैं। बस इतनी ही प्रैक्टिस है। कई लोग कहते हैं कि सब वोकलाइजेशन मत करो, यानी मन में बोल बोल कर मत पढ़ो, क्योंकि जितनी तेजी से हमारी आंखें चलती हैं उतनी तेजी से हमारी जबान यानी स्पीच प्रोसेसिंग नहीं होती। ये टेक्निक विवादास्पद है क्योंकि जब कोई अपरिचित सब्जेक्ट या कठिन आर्टिकल पढ़ते हैं तो सब वोकलाइजेशन करने से हमें अच्छे से समझ में आता है और याद भी रहता है। इसलिए रीडिंग स्पीड बढ़ाने के लिए सबसे पहले नो नॉनसेंस टेक्निक का प्रयोग करें। समरी में, आई मूवमेंट एक मोटर स्किल है। आंखों की मांसपेशियों को अभ्यास कराने से रीडिंग स्पीड बेहतर होती है और कॉम्प्रिहेंशन भी बेहतर होता है। आपके पास दो टेक्निक्स हैं। पहला, पॉइंटर का इस्तेमाल करने से 30% स्पीड बढ़ती है, उंगलियों से पेन बेहतर होता है। दूसरा, ड्रॉ मार्जिन। पेज के शुरू और अंत में एक एक शब्द छोड़कर लाइन खींचिए। 5-10 पेज बाद अभ्यास हो जाए तो दो दो शब्द छोड़कर लाइन खींचिए और दोबारा अभ्यास कीजिए। तीसरा पॉइंट, एक्सरसाइज फॉर आई मूवमेंट। 20 मिनट का टाइमर लगाइए, टेबल पर फ्लैट किताब रखकर 3x टारगेट का अभ्यास कीजिए। इस अभ्यास में सारे शब्द देखने पर जोर है। इस एक्सरसाइज को 5-6 बार कीजिए। उसके बाद एक्सरसाइज फॉर कॉम्प्रिहेंशन। कंफर्ट जोन तोड़ने के लिए 20 मिनट का टाइमर लगाइए, 5 मिनट के लिए नॉर्मल स्पीड से तेज पढ़ें, इतना तेज कि 90% समझ में आए, और फिर 15 मिनट स्पीड और समझ दोनों बनाए रखिए। इन दोनों एक्सरसाइज का अभ्यास आप अपनी पढ़ाई के साथ कर सकते हैं। आपको 5-6 बार में ही अंतर दिख जाएगा और इस रीडिंग स्पीड से आपका रिविजन और आपका पढ़ना कम समय में होगा और बेहतर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स का वर्क एथिक कैसा होना चाहिए इस पर वीडियो जरूर देखिए। आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। और हमेशा याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।